आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों मैं शिवम अपने YouTube चैनल टेक्निकल शिवम पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जब अपने मोबाइल फोन के अंदर डेवलपर ऑप्शन सेटिंग ओपन करते हैं तो वहां पे देखने को मिल जाता है क्विक सेटिंग्स डेवलपर टाइल्स के नाम से एक देखने को मिल जाता है सेटिंग। तो इस सेटिंग को कैसे यूज करते हैं और इस सेटिंग के अंदर यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इन्हें ऑन करना चाहिए या नहीं ऑन करना चाहिए, इसे ऑफ रखना चाहिए या नहीं ऑफ रखना चाहिए और इसे कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अब यहां पे आपको करना क्या है, अपने मोबाइल फोन के अंदर डेवलपर ऑप्शन सेटिंग ओपन करना है। वहां पे आपको करना क्या है, देखने को मिल जाएगा आपको क्विक सेटिंग डेवलपर टाइल्स के नाम से, तो आपको इस पे क्लिक करना है और यहां पे देखने को मिल जाता है शो लेआउट बाउंड्रीज सेटिंग, यहां पे देखने को मिलेगा प्रोफाइल सीपीयू, यहां पे रेंडरिंग सेटिंग और यहां पे फोर्स देखने को मिलेगा, लेआउट डायरेक्शन, यहां पे विंडो एनिमेशन स्केल सेटिंग देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इन सेटिंग को यहां से इनेबल कर देते हैं तो आपके नोटिफिकेशन को जब यहां पे आप स्क्रॉल करते हैं तो ये सारा का सारा सेटिंग यहां पे आपको देखने को मिल जाता है। जैसा यहां पे देखने को मिलेगा विंडो, यहां पे देखने को मिलेगा हमारा बाउंड्रीज सेटिंग, यहां पे देखने को मिलेगा डायरेक्शन सेटिंग, अगर आप यहां पे स्क्रॉल करते हैं तो यहां पे आपका प्रोफाइल सेटिंग देखने को मिल जाते हैं, यानी कि वो चारों ऑप्शन यहां पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर देखने को नहीं मिलता है तो आपको एडिट करना है और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सबसे नीचे, तो यहाँ से आपको लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पे आपको ऊपर रख लेना है। जैसे आप यहाँ पे ऊपर रख लेते हैं तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार इस सेटिंग से क्या होता है और इसे कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ से मैं इसे बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद अपने नोटिफिकेशन पैनल को नीचे करना है और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको देखने को मिलेगा एक सेटिंग, यहाँ पे देखने को मिलेगा सो, यहाँ पे देखने को मिलेगा सो लेआउट बाउंड्री सेटिंग। अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो आपके मोबाइल फोन के अंदर इस तरह का एक बाउंड्री देखने को मिलेगा जो आपके लेआउट में आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इस सेटिंग को ऑन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से परिवर्तन पड़ता है और डेवलपर ऑप्शन के अंदर इस सेटिंग से यही परिवर्तन पड़ता है आपके स्क्रीन के अंदर। जो आपका स्क्रीन का लेआउट होता है उसमें कोई भी बाउंड्री यहाँ पे देखने को मिल जाता है, कुछ भी लिखा हुआ है उसका यहाँ पे एक बाउंड्री देखने को मिल जाता है, जैसा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे आप इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसे बंद करना है, जैसे मैं यहां से इसे बंद कर देता हूं, यहां से मैं इसे बंद कर देता हूं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार उसके बाद अगर आप यहां पे विंडो, यहां पे एनिमेशन स्केल सेटिंग यूज करना चाहते हैं तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपको बैक आना है, यानी कि इसे हटा देना है। उसके बाद इससे क्या परिवर्तन पड़ता है वह तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया होगा। जैसे मैं इसे बैक करता हूं तो यहाँ पे देखने को मिलेगा जो यहाँ पे आपका एनिमेशन है, यानी कि जो विंडो का एनिमेशन स्केल है उसके अंदर परिवर्तन पड़ चुका है। जैसे आप किसी भी यहाँ पे सेटिंग को ओपन करते हैं, डेवलपर सेटिंग ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमारा जो सेटिंग है उसका जो एनिमेशन है ओपन होने का, तो वो यहाँ पे कितना परिवर्तन पड़ चुका है। तो ऐसे आप इस सेटिंग को यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। जैसे आप नीचे आते हैं तो उसके बाद फिर से नीचे करना है और यहां पे आपको इस सेटिंग को बंद कर देना है। जैसे आप इस सेटिंग को बंद कर देते हैं आपका मोबाइल फोन उसी तरह से काम करना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहां पे देखने को मिल जाता है आपको फोर्स RTL लेआउट, यहां पे डायरेक्शन सेटिंग देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इस सेटिंग को यहां से आप इनेबल कर लेते हैं तो आपके मोबाइल फोन का जो डायरेक्शन होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। कैसा चेंज होगा देखने को मिलेगा। अभी हमारा मोबाइल फोन का डाटा इस लंग देखने को मिल रहा था, हमारा बैटरी इस लंग देखने को मिल रहा था, टाइम इस लंग देखने को मिल रहा था, इसका पूरा डायरेक्शन चेंज कर देता है ये सेटिंग जो आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर मिल जाती है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे हमारा पूरी तरीके से यहाँ पे सेटिंग चेंज हो चुका है। अभी हमारा डेवलपर ऑप्शन इस लंग से ऑन हो रहा था, अब हमारा डेवलपर ऑप्शन इस लंग से ऑन होगा, यानी कि पूरा का पूरा सेटिंग ये आपका चेंज हो जाता है। आपका ये इस लंग सेटिंग जो होता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है और इस लंग का साइड जो जितना सारा होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसे आप इसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जब मैं इसे बंद करना चाहता हूँ तो आपको डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल नीचे करेंगे तो आप यहीं से इसे बंद कर सकते हैं। जैसे मैं याद दिखा देता हूं कि पहले हमें इस लंग स्क्रॉल करना पड़ता था, अब हमें इस लंग स्क्रॉल करना पड़ेगा और यहां पे आपको ये सेटिंग देखने को मिल जाएगी फोर्स RTL और लेआउट डायरेक्शन सेटिंग। तो आपको इसे यहां से बंद कर देना है, पूरी तरीके से आपका मोबाइल फोन उसी तरह से हो जाएगा जैसा यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन बचा हुआ, उसे कैसे यूज करते हैं तो आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक प्रोफाइल, यहां पर देखने को मिलेगा प्रोफाइल GPU, यानी कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको एक ग्राफ देखना का मिलना
स्टार्ट हो जाता है। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर ग्रॉप स्टार्ट हो जाता है, और ये ग्रॉप तभी आपको देखने को मिलता है जब अपने मोबाइल फोन को कंटिन्यू यूज करते हैं, अपने मोबाइल फोन के अंदर कुछ भी करते हैं तब ये आपको ग्रॉप दिखाई देने लगता है। तो ऐसे अपने मोबाइल फोन के डेवलपर ऑप्शन के अंदर इन चारों के चारों सेटिंग को आप यूज कर सकते हो, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।